नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कई महिलाओं को तो यह बात बिल्कुल भी नहीं पता है कि उनके बालों से कोई व्यक्ति तंत्र विधि के द्वारा उनके साथ क्या क्या कर सकता है। उन्हें यह बात बिल्कुल भी नहीं पता है। दोस्तों, कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी हवस मिटाने के लिए महिलाओं के बालों को लेता है और बालों के साथ तंत्र विद्या करने लगता है। इन बालों के साथ तंत्र विद्या कर वह महिला को वशीकरण करने का प्रयास करता है और वशीकरण करने के बाद उनके साथ जोर जबरदस्ती करता है और महिलाएं पूरी तरीके से उनके काबू में आ जाती है और उसका वह व्यक्ति फायदा उठाता है। और जब कोई महिला किसी तंत्र विद्या करने वाले व्यक्ति के काबू में आ जाती है तो वह व्यक्ति उसे महिला के साथ कुछ भी कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपके साथ वह भी कम कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और कई ऐसी बातें हैं जिन्हें हम यहाँ बात भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, अगर आज कोई महिला या पुरुष इस वीडियो को देख रहा है तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे कान खोलकर सुन लेना। कोई महिलाओं को अपने बाल कब धोने चाहिए और कब नहीं धोने चाहिए। साथ ही अगर कंघी करती है कोई महिला, उसके बाल टूटते हैं तो उन बालों को क्या करना चाहिए। ऐसे ही कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। अगर कोई महिला गलत समय में अपने बाल धोती है तो उसे क्या क्या परेशानियाँ आती है। आजकल आप देखते होंगे बड़े बड़े गुरुजी के पास कई महिलाएं अपने शरीर से संबंधित दुखद घटनाएं या वशीकरण से संबंधित कई ऐसी घटनाएं लेकर आती है और गुरुजी जी से इलाज करवाती है। आज आधुनिक युग के समय कई महिलाएं अपने बालों को जल्दी जल्दी कंघी करती है और जितने भी बाल टूटते हैं और नीचे गिरते हैं तो उन बालों को बिल्कुल भी संभाल कर नहीं रखती है। ऐसे ही कचरा कूड़े में डाल देती है। आपको शायद पता नहीं, आपका एक बाल से आपको पूरा का पूरा सिर से लेकर नीचे पैरों तक दुश्मनों द्वारा आपका वशीकरण किया जा सकता है। अर्थात आपको कोई व्यक्ति घर पर बेटा बेटा आपको कंट्रोल कर सकता है। आजकल दोस्तों, मानव के पास काम ज्यादा होने की वजह से समय बहुत कम रहता है, जिसके कारण कम को जल्दी जल्दी करते हैं हम और कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका फायदा हमारा दुश्मन उठता है। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। दोस्तों, अगर आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखने की शौकीन हैं, तो जरा यह बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती हैं, तो आपके जो बाल टूटते हैं आखिर उनका क्या करती हैं? आप भी तो कहीं बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहाँ वहाँ सड़क पर नहीं फेंक देती या फिर कचरे के डिब्बे में यूं ही नहीं डाल देते। अगर आप भी यह गलती करती हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर सकती हैं। तो कहीं आप भी तो हमेशा शारीरिक तौर पर बीमार नहीं रहती। कहीं आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कराया हुआ है और नकारात्मक शक्तियां आपको अपने वश में तो नहीं करके रखती। कहीं आप भी तो उन महिलाओं में से ही हैं जो हर समय क्रोधित रहती हैं और गुस्से में रहती हैं और कई तरह की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रही हैं। दोस्तों, महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंक देती हैं। ऐसी महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए ही आ जाती हैं और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा हावी रहता है। तो सवाल ये है कि आखिर टूटे हुए बालों का क्या करें और टूटे बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से हमें कैसी परेशानियां भुगतनी पड़ सकती हैं।
दोस्तों, जब भी महिलाओं के साथ श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है तो हिंदू धर्म में समुद्र शास्त्र नाम की जो पुस्तक है उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती हैं, जिनमें महिलाओं के चाल चलन से लेकर उनके श्रृंगार तक हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई है। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और महिलाओं के केश न केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माने जाते हैं। जिन महिलाओं के केश लंबे होते हैं उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार से तरक्की कर सकती हैं। लेकिन गुरु जी का कहना यह भी है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों के संबंध में कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह पता नहीं होता कि किस दिन उन्हें अपने बाल धोने चाहिए और साथ ही महिलाएं यह भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने सिर के बालों को कब कटवाना चाहिए और कब नहीं कटवाना चाहिए। और सिर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम कायदे कानून होते हैं उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरतती हैं। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। सुनिए दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोने से या कटवाने से उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर उन लोगों को कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल ना तो धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। इसके अलावा कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में भी कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं जैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी। इस दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है क्योंकि ज्योतिष कहता है कि इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है जिस वजह से ये हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है और न केवल उनके शरीर को बल्कि उनके व्यवहार पर भी अपना असर दिखाता है। गुरु जी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आती है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं, ऐसे में उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है और उन्हें रक्त संबंधी परेशानियां होती हैं। साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। दोस्तों, महिलाओं को बाल कब धोने चाहिए? और यह सवाल ऐसा है कि सभी महिलाएं यह जानना चाहती है कि वह बाल कब धोए, तो हम बता रहे हैं आपको। दोस्तों, बुधवार के दिन सुहागिन स्त्रियां बाल धो सकती हैं। वहीं गुरुवार के दिन स्त्रियों सहित पुरुषों को भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। गुरुवार को बाल धोने से घर में दरिद्रता का वास रहता है। साथ ही स्त्रियां अगर बाल धोती हैं, तो उनके पति की उम्र कम हो सकती है। दोस्तों, किसी भी लड़की के पीरियड्स आना एक आम बात होती है। यूं कहा जाए कि पीरियड्स हर महीने आने वाला साइकिल है। ये न सिर्फ लड़कियों के शरीर का एक आवश्यक चक्र माना जाता है बल्कि इससे जुड़ी कई बातें भी सुनने में आती हैं। दोस्तों, ऐसी ही बातों में से है पीरियड्स के दौरान मंदिर में प्रवेश न करना, इस दौरान अचार न छूना और कई बार घर के बड़ों को ऐसा कहते हुए भी सुना है कि पीरियड्स के दौरान और बाद में बाल सही समय पर धोना।
हाँ, सुनने में भले ही अटपटा क्यों न लगे, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनमें पीरियड्स के दौरान बाल धोने और न धोने के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं। दोस्तों, हम सभी की पीरियड्स की डेट अलग होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके पीरियड 3 दिन चलते हैं तो आपको 4वें दिन बाल धोने चाहिए। अगर आपके पीरियड्स की अवधि 7 दिन है तो आपको 8वें दिन बाल धोने की सलाह दी जाती है, जिससे आपका शरीर पूरी तरह पवित्र हो सके। वैसे पीरियड्स खत्म होने के बाद 5वें या 8वें दिन कोई भी वार क्यों न हो, आप बाल धो सकती हैं। वैसे सबसे ज्यादा शुद्ध 5वें दिन बाल धोना माना जाता है। यदि पीरियड 1-2 दिन भी चलते हैं तब भी आप 5वें दिन बाल धोकर ही मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर प्रवेश करें। दोस्तों, मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से भी बचना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को बुधवार वाले दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है और जो महिलाएं बुधवार को अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई परेशानियां एक साथ आ जाती हैं। अगर आपके भाई बहन नहीं हैं, तो बुधवार को बाल धोना आपकी धन संपदा, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और बाल कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इससे न केवल घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है और आपका गुरु ग्रह, जो कि आपकी अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है, ये ग्रह कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा क्यों न हो, आपको रंग को बनते देर नहीं लगती। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। ये माता लक्ष्मी का दिन है। ऐसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाल कटवाना चाहती हैं, तो आप ध्यान रखें कि अपने बालों को आप यहाँ वहाँ फेंकने से बचें। ऐसा करने से आपके धन की हानि होगी। बाकी आप शुक्रवार वाले दिन अगर अपने बालों को धोते हैं, तो आपको सुखदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे आपके घर में धन संपदा, वैभव, ऐश्वर्य और सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। साथ ही रविवार वाले दिन में महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि राहु केतु को कमजोर बनाता है, जिससे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा कई और दिन होते हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी। इन दिनों पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माने जाते। अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए, तो समुद्र शास्त्र कहता है कि ऐसे तो महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज्यादा लंबे होते हैं, उतनी ही आपके पास धन दौलत, ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं, तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को यहाँ वहाँ यूं ही ना फेंके, किसी के पैरों में ना आने दें, ना ही अपने बालों को ऐसे ही खुले में छोड़े। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना बालों में कंघी करती है, तो भी उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरे में फेंक देती हैं या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देती हैं। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास्त्र किया जाता है, और जो महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहाँ पर फेंक देती हैं, अगर उनके बाल किसी तांत्रिक के या फिर किसी भी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाते हैं, तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। बालों के जरिए कोई भी बुरी शक्ति या ऊपरी अला बला आपके ऊपर हावी हो सकती है।
इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में शक्तियों को बढ़ाने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपके बाल झड़ते या टूट जाते हैं और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं, महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप इन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो जब भी आप अपने बालों को कचरे में फेंके तो बालों में इकट्ठा करके उन पर थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकती।